स्टार्टअप्स आज इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। आज हर कोई स्टार्टअप्स के बारे में बात करता है। स्टार्टअप्स वैसी कंपनियों को कहा जाता है जो अपने बिजनेस के इनिशियल स्टेज में होती हैं। इन्हें किसी एक इंडिविजुअल द्वारा या ग्रुप द्वारा शुरू किया जाता है किसी एक बिजनेस आइडियाज को, किसी यूनिक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। आज इंडिया में 70,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो चुके हैं। इनमें से तो पिछले साल 2021 में ही केवल 14,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए थे। इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। लेकिन 2022 का वर्ष इन स्टार्टअप्स के लिए अच्छा नहीं रहा। इन स्टार्टअप्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भारी कमी आने लगी और कुछ स्टार्टअप्स की हालत तो इतनी खराब हो गई कि इन्होंने बड़ी भारी संख्या में अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाला। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस वर्ष 2022 में कि इन स्टार्टअप्स कंपनियों की हालत इतनी खराब हो गई, और क्या यही स्थिति बनी रहेगी आने वाले वर्ष 2023 में भी? बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स तो यही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इंडिया में स्टार्टअप्स का डाउनफॉल शुरू हो गया है। इंडिया में स्टार्टअप्स तो पहले भी बनते थे, लेकिन उनमें से एक आध ही यूनिकॉर्न बन पाते थे। इंडिया में पहला यूनिकॉर्न बना 2011 में, लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स में बहुत सारे यूनिकॉर्न बन गए। इंडिया में अभी 108 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। इनमें से लास्ट ईयर 21 में ही 44 यूनिकॉर्न्स बने थे। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार इंडिया में 555 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक स्टार्टअप्स है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रेट से इंडिया के गांवों, शहरों, हर जगह से स्टार्टअप्स निकलकर सामने आ रहे हैं। शहरों की बात करें तो यूनिकॉर्न बनाने में सबसे आगे रहा बेंगलुरु, उसके बाद दिल्ली NCR और मुंबई का नंबर आया। ये स्टार्टअप्स किसी एक सेक्टर से नहीं, हर एक सेक्टर से स्टार्टअप्स निकलकर सामने आए। ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, फूड एंड टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, होटलिंग, हर सेक्टर से स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न सामने आए। लेकिन इनमें सबसे आगे रहा ई कॉमर्स सेक्टर। ई कॉमर्स सेक्टर से सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बने। इनमें फ्लिपकार्ट और उड़ान जैसे बड़े नाम आपने सुने होंगे। इसके बाद फिनटेक का नंबर आया। फिनटेक में पेटीएम, फोन पे, भारत पे, जीरोधा, पॉलिसी बाजार, ये सारी कंपनियां यूनिकॉर्न बन गई। यानी इन कंपनियों की वैल्यूएशन 8,000 करोड़ रुपए को पार कर गई। एजुकेशन सेक्टर और फूड एंड टेक्नोलॉजी भी इसके पीछे नहीं रहा। एजुकेशन सेक्टर में आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, अनअकैडमी, बायजू, वेदांतु या फिजिक्स वाला, ये सारी कंपनियां अब $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, यानी यूनिकॉर्न बन चुके हैं। वर्ष 2022 में इन कंपनियों की हालत इतनी खराब हो गई कि इन्हें अपने एम्प्लॉय को बड़ी संख्या में बाहर निकालना पड़ा। अगर न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो अनअकैडमी, बायजू, वेदांतु, ओला, इन सारी कंपनियों ने भारी संख्या में अपने एम्प्लॉय को बाहर का रास्ता दिखाया। क्या ये लेऑफ सिर्फ इंडिया में हुए? नहीं, आप अगर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर को देखेंगे तो इन्होंने भी ईयर 2022 में हजारों की संख्या में अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाला। तो आखिर इसके क्या कारण रहे 2022 में? तो पहला कारण था रूस यूक्रेन वॉर। इस साल रूस यूक्रेन वॉर शुरू हो चुका था और रूस यूक्रेन वॉर की वजह से इन्वेस्टर्स में बहुत सारे अनसर्टेंटीज आ गई, और वो अनसर्टेंटीज की आशंका से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में भारी कमी आई। दूसरा रीजन था कोविड लॉकडाउन के बाद लोगों का अपने पुराने रूटीन में फिर से वापस आना। जब कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ था तो लोगों के रूटीन में काफी बदलाव आए थे। लोग बाहर जाकर खाना खाने के बजाय ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना ज्यादा पसंद करते थे। बच्चों के स्कूल कॉलेज सारे बंद हो चुके थे और ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गए थे। लेकिन कोविड लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों के बिहेवियर में फिर से चेंज आ गया और लोग अब ऑनलाइन ऑर्डर करने की बजाय बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना ज्यादा पसंद करने लगे। लोगों के स्कूल कॉलेज सारे खुल गए, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन भी अब धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, इस वर्ष 2022 में कुछ बड़ी कंपनियों के IPO मार्केट में आए, जैसे नाइका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, और ये IPO पूरी तरह से फेल हो गए। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स में एक और आशंका छा गई। एक और रीजन था, इन स्टार्टअप्स कंपनियों के पास जब फंडिंग बहुत आने लगे थे तो ये कंपनियां अपने आप को एक्सपैंड करने में ज्यादा ध्यान देने लगी और अपने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कम ध्यान देने लगी। ये कंपनियां बड़ी संख्या में हायरिंग करने लगी और अपने प्रचार, एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे खर्चे करने लगी थी।
वर्ल्ड बैंक, IMF, इनकी रिपोर्ट माने तो हर कोई रिपोर्ट यह प्रेडिक्शन करता है कि आने वाले वर्ष 2023 में भी इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से रहेगा। इसलिए भी इन्वेस्टर्स की नजर में इंडिया अभी भी एक टॉप डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए बना हुआ है। एक दूसरी बड़ी वजह है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज आया है। लोग स्टार्टअप्स के बारे में ज्यादा बातें करने लगे हैं। हर कोई अपना एक नया स्टार्टअप्स शुरू करना चाहता है, एक अपने यूनिक बिजनेस आइडियाज को लेकर। कुछ टीवी प्रोग्राम जैसे शार्क टैंक जैसे कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि यंगस्टर्स ही नहीं, बुजुर्ग लोग भी आकर नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट पेश कर रहे थे। इससे लगता है कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो चुका है और यह जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे हेल्प कर रही है स्टार्टअप्स के लिए। बहुत सारे प्रोग्राम जैसे आत्मनिर्भर योजना, स्टार्टअप्स के बहुत सारे योजनाएं चला रही है, इनको फंडिंग में इंसेंटिव्स भी दे रही है, रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर रही है, बहुत सारे यूनिक आइडियाज को पेटेंट कराने के लिए सरकार भी हेल्प कर रही है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टेट में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं। यह सब देखकर कोई भी कह सकता है आने वाले वर्षों में भी इंडिया में स्टार्टअप्स की रफ्तार अब कम नहीं पड़ने वाली है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो।